आई थिंक मैं क्लास 9 में था जब बिलाल भाई यूके चले गए थे अपनी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए. तो अपने अंडरग्रेड के दौरान बिलाल भाई बाहर रहे और क्लास 8 से ऑनवर्ड्स ऑब्वियसली बिलाल भाई यहाँ पे नहीं थे. लेकिन आई थिंक एक जो बचपन से आप फील करते हो, जब एक 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 कनेक्शन होता है, डिवाइन कनेक्शन होता है बिटवीन ब्रदर्स, एंड यू डोंट हैव टू बी ब्रदर्स, किसी भी इंसान के साथ आपका हो सकता है. तो एक यूनिटी और यकजहती से चलने में ही आई थिंक हमारी कंट्री का फायदा है. और इसमें ह्यूमंस अच्छा यार सीरियसली स्टार्ट करो. आप अपने ब्लाइंड स्पॉट्स खुद नहीं देख सकते, दूसरा देखता है. एंड हु इज बेटर देन ब्लड ब्रदर? या ब्लड ब्रदर you guys have an amazing synergy ke wo udhar se gaya. Bilal bhai abhi kal you also know ki kiski skill kya hai, kiski department kya hai. Logistics mein bhai aage hain, entertainment mein idhar aa jate hain, jisko to momil ko saare samne kar dete. It's amazing man and high achievers. But before you go on to the next question, I think we're developing that with you now. टीम बड़ी होती जा रही है, द ए टीम. या यू नो वी गॉट द ए टीम, वी गॉट आवर थर्ड ब्रदर गाइस, थर्ड ब्रदर. पावर रेंजर्स की तरह नहीं, हम भी. मेरा सीरियसली मोजो बंद हुआ था बिफोर वी वेंट टू थार, बिकॉज़ आई वाज फीलिंग लाइक नॉट इंस्पायर्ड एंड आई वाज लाइक आई वाज आल्सो थिंकिंग यार किधर थार जा रहे, बिकॉज़ एवरी टाइम आई गॉन टू थार मुझे मजा नहीं आया. लेकिन हम गए थार और इतनी ऐसी जगह जो पनिशिंग वहां पे एनवायरनमेंट के अंदर. You brought my mojo back, man. But I would like to say, Moru bhai, ke I had the same feelings. Ke maza aayega ke nahi maza aayega. But you know, I think we should get a room. Actually, we did. आपके सामने था लेकिन. लेकिन next time we got eight bed वाला होना चाहिए. आपकी vibe, आपके साथ थार जाना, you know, all those songs, गाड़ी में dances और जो रास्ते में हम एक आग का दरिया पार करके आए थे. I don't know, you know, if people have seen that video जहाँ पे जुनेद भाई आग के अंदर से निकले थे. I think that it was absolutely fun. मैं re-energized feel कर रहा था after just spending some time with you. Can I just thank you for that? Sir, I am thanking you. You are thanking me. It's a mutual thankfulness. Sorted. मेरे हिसाब से कंपनी बहुत मैटर करती है, प्लेस नहीं मैटर करती. आप एक गाड़ी में भी, छोटी सी टूटी गाड़ी में, क्या वो छोड़े बस स्टॉप पे भी बैठ के आपके साथ हम 6, 8, 10, 12 पूरा दिन गुजार सकते हैं. अगर वेव लेंथ मिलती है ना तो सीन ऑन है, सीन ऑन है. एंड आई थिंक मोर देन दैट वी हैड द राइट पीपल विद अस, वी हैड द राइट कंपनी एंड वी हैड द राइट इंटेंशन, राइट इंटेंशन, बिकॉज़ वी वर गोइंग टू डू समथिंग फॉर अदर्स, फॉर द सोसाइटी. सो यू नो इट वाज अ गुड ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग. वो जिस तरह लोग अक्सर कहते हैं दीन और दुनिया, या यू नो मैं कहता हूं डाइवर्सिटी. सो वी हैड द राइट ब्लेंड बिकॉज़ ऑफ व्हिच ऑल इन ऑल द ट्रिप वाज अमेजिंग. और सर ये बहुत बड़ी आई थिंक खुशकिस्मती अगर आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाएं. आई थिंक दैट्स वेरी हार्ड टू फाइंड नाउडेज, डोंट यू थिंक? एवरीवन इज टू ट्रांजैक्शनल, मटेरियलिस्टिक. आई थिंक इट्स वी एज अ सोसाइटी वी बिकमिंग नार्सिसिस्टिक. आई थिंक लाइफ इज लाइक अ ट्रेन. तो जिस तरह ट्रेन आगे जाती जा रही है ना, लोग उतरते जा रहे हैं और ज्यादा लोग उतरते हैं और नए लोग कम चढ़ते हैं. शुरू में पूरा डब्बा बड़ा होता है, बट एज यू आर रीचिंग योर डेस्टिनेशन लोग उतरते जाते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी ट्रेन शुरू हो जाती है ना, और कम लोग उस ट्रेन पे चढ़ते हैं. तो आखिर में आपके पास ये मुट्ठी जितने लोग रह जाते हैं और मेमोरीज. मैं आपको एक और बात बताऊं, लाइफ इज लाइक अ थिएट्रिकल प्ले. द प्ले हैज गुड कैरेक्टर्स, बैड कैरेक्टर्स. तो लाइफ में भी यू विल कम अक्रॉस गुड पीपल एंड बैड पीपल. द बैड पीपल विल कम, प्ले देयर पार्ट एंड लीव, बट रिमेंबर द प्ले इज इनकम्प्लीट विदाउट दोस बैड कैरेक्टर्स. इसी तरह लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट ऑल दीज पीपल. अल्टीमेटली कोई बुरा भी नहीं होता, नो वन इज बैड. लोग बस कम अच्छे होते हैं. जिस तरह ठंड नहीं होती, लैक ऑफ हीट हम क्या कह देते हैं, इसी तरह आई थिंक कोई बुरा नहीं होता, लोग बस कम अच्छे होते हैं. गरमाइश नहीं होती, जिंदगी की बातें हैं मोरू भाई. आपको पता आपके साथ एक कनेक्शन हो रहा है. गुड डिफाइंस द बैड एंड द बैड डिफाइंस द गुड. देयर इज अ यिंग एंड यांग दैट्स कांस्टेंटली रनिंग. भाई आई थिंक पेन इज वेरी ब्यूटीफुल. पूछे किस तरह? किस तरह? देखिए अगर पेन ना हो तो हम तो आग से सड़ के जड़ सड़ जाएं. क्योंकि पेन इज व्हाट प्रिवेंट्स अस, पेन इज व्हाट गिव्स अस दैट सिग्नल. भूख ना लगे तो बॉडी को फील ना हो तो हम तो मेल न्यूट्रिशन से मर जाएं. पेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रही है, तो हमें समझना होगा कि एक शिप, एक कश्ती जब डूबती है वो क्यों डूबती है, जब पानी उसके अंदर आ जाता है. तो इसी तरह डोंट लेट द नेगेटिविटी अराउंड यू गेट इन टू यू एंड वे यू डाउन, ब्रिंग यू डाउन लाइक द शिप. तो अगर पेन आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिल रही है, तो कोशिश करो कि आप अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अपने आप को ज़्यादा अफेक्ट ना होने दो. क्योंकि मैच पर भी अगर जब मोरू भाई हम जाते हैं, हम जहाँ पर भी हंसी मजाक करने जाते हैं, इट हैज़ टू कम फ्रॉम विदिन. विद इन आई नीड टू हैव फन. इफ आई एम नॉट हैविंग फन, पीपल विल नॉट हैव फन. यू नो, तो इस तरह हो ही नहीं सकता कि आई एम नॉट हैविंग फन, आई एम नॉट फीलिंग गुड, बट यू नो आई एम ऑन द स्टेज एंड पीपल आर लविंग इट. Yeah. That's not possible. Yeah. और अगर कोई ऐसा pull off कर लेता है तो I don't know. Greatest actor on the planet. Maybe. Yeah.
I need to have fun. So aapko, you have to look after yourself. Self-love is not selfish. Yeah. It's important. And I feel like we now self-enjoyment bhi theek tarah nahi karte kyunki we are too afraid of the society. शादी पे उठ के नहीं नाचेंगे लोग देख रहे हैं लेकिन वैसे नाचेंगे बंद कमरे में तो आई थिंक ईगो हैज समथिंग टू डू विद इट राइट कहते हैं ना बच्चे का लैंग्वेज ईगो नहीं होता तो वो बच्चा गलती करता है कोई ना कोई अगर ग्रामेटिकल तो आप उसका मजाक भी उड़ाते हैं तो बच्चे को मसला नहीं होता बच्चा चलता है गिर जाता है तो ही डजंट हैव अ प्रॉब्लम ही विल स्टैंड अप एंड ट्राई टू वॉक अगेन बट एज यू ग्रो ओल्डर इफ यू फॉल इट्स एम्बैरेसिंग बिकॉज़ योर ईगो गेट्स हर्ट सो यू डिवेलप दिस इन अ लैंग्वेज सेंस एज वेल के वो मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक किसी अंग्रेजी ने किसी ने मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक जो भी बहुत सी होंगी यहाँ पे वो कोई पकड़ ले तो यार मैं बड़ा एम्बेरस हो जाता हूँ फिर उसके बाद मैं कहता हूँ तो वो ईगो जब ना हो ईगो इज द एनिमी और आप देखें कि ईगो ने ही शैतान को शैतान बनाया क्योंकि शैतान ने कहा मैं सजदा नहीं करूँगा मैं क्यों सजदा करूँ तो मुझे लगता है ये जो सिस्टम है ना ये सेल्फ इमेज वाला है कि वी आर टू बिजी एज अ सोसाइटी प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ इमेज चौधरियां दा बाला मुल्कां दा पुत्तरा समझ नहीं तो वो हम इमेज ही मैं किस तरह कर सकता हूँ मैं नहीं ये तो उसी में लाइफ गुजार देते कॉन्स्टिपेटेड रह रहे अपने अंदर ही मेहमान बन के रहते यू कैन नॉट विन फ्रॉम टाइम हर किसी का सवाल है आप समझ रहे विल नॉट हियर आफ्टर 100 इयर्स यू नॉट हियर आफ्टर 100 इयर्स डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स व्लॉगर्स ब्लॉगर्स डिफरेंट मार्केट वी आर गॉन लोग शायद हमें याद भी ना रखें लेकिन शायद लोग कह भी देंगे यार उस जमाने में कुछ बॉयज का गेम बहुत हैवी था लेकिन सर मुझे समझ नहीं लगती इस बात की एक दफा आप चले गए तो पीछे से लोग कहते भी नहीं तो आपकी जात पे क्या फर्क पड़ेगा यू आर 6 फीट अंडर बट इफ यू डन समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी वो कहते ना सदका जारिया कहते कहीं कुआं लगवाया पानी का तो जितनी देर लोग क़यामत तक उस कुएं से पानी पिएंगे आपको सवाब मिलता जाएगा दिस इज अ गुड सेगवे टू गेट टू तैयबा बताएं किस तरह का आपके दिमाग में एकदम से सोशल वर्क का ये सर मैं था आई वॉज वर्किंग इन लंडन तो आई वॉज ट्रैवलिंग इन अफ्रीका दिस इज कंट्री कॉल्ड बुर्किना फासो इन वेस्ट अफ्रीका वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड उनका कैपिटल है वागाडोगू फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री वेरी पुअर तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि यार ये औरतें जो है एक्चुअली मैं वहाँ पे गया एक मुस्लिम पॉपुलेशन भी एक मैं मदरसे के अंदर गया तो बच्चे सारे मेरे पास आए उन्होंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में कोई वाइट स्किन का बंदा देखा था वो परेशान हो गए यार मैं खुद परेशान हो गया कि ये क्या है मतलब मैं कि मतलब हम कितने entitled फील करते नहीं गोरा है लड़का गोरा है एंटी मतलब मैं आपको पता है कोई रेसिस वगैरह इस तरह तो बिल्कुल लेकिन ब्राउन ना नहीं ब्राउन या मतलब मैं वाइटर देन दिस ही मेंट इन रिलेटिव सेंस हां मतलब कि इतने पॉइंट ये है जिसने पीपल ऑफ कलर आई एम सॉरी भाई पीपल ऑफ कलर जिसने पॉइंट निकालना मैं पहले क्लेरिफाई मैं पहले कर दूं कि दिस इज लोग ऐसे भी रह रहे हैं कि उन्होंने एज अ डिफरेंट कलर का बंदा नहीं देखा था लेट्स पुट इट दिस वे आई थिंक परहैप्स दिस इज बेटर वी आर पीपल ऑफ कलर तो ये वाइट ब्लैक ब्राउन को छोड़ो पीओसी पीपल ऑफ कलर या वी आर द सेम वे आई मीन वी डोंट सी मतलब कि आइसोलेटेड अपने बबल में रह रहे होते कभी कोई गोरी लड़की आई थी तो इस तरह हो जाता है एकदम से तो वी आर आल्सो लाइक काइंड ऑफ लाइक दैट ब्रिटिश आपको पता है कोलन हमारा माइंड इस वक्त भी मुझे लगता है हमारी वो वाहिद एक ऐसी कंट्री है जहां पे फेयर एंड लवली कितनी बिकती है कि हम कहते हैं वो कलर ही नहीं ठीक इतनी एडवर्टाइजमेंट को रंग चिट्टा कर लो उस ऐसा कोरल ड्रो पे लगाया होता है चिट्टा कि इट इज मोर वाइटर देन द वाइट वी लिव इन अ कंट्री और ब्राइट करें नहीं मतलब ये मेरी समझ से बाहर है कि हम किस तरह डिसओन कर सकते हैं या हम कौन है कहने वाले कि ये कलर नहीं ठीक और इतनी प्रमोशन खुली आम आपको पता है ना भाई यूके में तो बैन हो गई है क्या आप अब उसको फोटोशॉप या आप उसको अमेंड नहीं कर सकते इट हैज़ टू बी नेचुरल क्योंकि ये इतनी अनरियलिस्टिक इमेजेस कर देते हैं Yeah, and the concept of beauty has been affected by these beauty magazines ke jiske andar wo itni zyada treatment karke aankh badi kar di ye kar diya chhota kar diya now we watch all of that and we strive for that perfection sir hun tusi instagram te banda vekho te asli ch vekho pehchaniya nahi janda jinne filter aa gaye we live in a country where speaking english means you're educated and being white means you're beautiful dono cheeze galat hai lekin main bas chahunga ki wo hum taiba ka acha ha to sir wahan pe maine ye auraton ko dekha ki ye ek wheel mein leke aa rahi hain पानी तो मैं बड़ा क्यूरियस हुआ क्योंकि यू नो मैंने कहा यार ये कितना सिंपल सॉल्यूशन है तो वहाँ से मैं वापस आया मैंने लंदन कुछ रिसर्च की मैंने देखा कि इंडिया में भी ये हो रहा था लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा था तो वी गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स गॉट टुगेदर एंड 3 years ago वी सेड यू नो लेट्स स्टार्ट इट एंड सिंस देन यू नो वी आर गिविंग दीज व्हील्स आउट इन थरपाकर इन एरियाज ऑफ बलूचिस्तान in some other areas of Sindh and it's you know it's a very simple product it's like you know if I was to use an analogy imagine you are traveling on a plane and instead of
dragging your suitcase, which is 7, 8, 9, 10 kgs, you are asked to put it on top of your head and then walk on, you know, towards the plane, and then to wo utha ke aap chale. It's as simple as that. Isme 40 liters pani aa jata hai ek matke mein, comparatively 8 se 10 liter pani aata hai. To ye aurte roz subah 1 se 2 kilometer jati hain. Aapne to khud halaat Moru bhai dekhe hain, aur maine wo bhi aapki ek snap story bhi dekhi thi jisme wo khatoon ki matlab ki kamar bhi tooti hui thi, aur she was like bent over and still doing that hardship. Historically aap dekhen ki aurat ki zimmedari rahi hai pani leke aana. Doesn't matter what age she is, whether she is pregnant or she is not pregnant, it is her responsibility to fetch water. Men have never, because of ego, the project or has changed gender roles. It's redefined. So now men will go out to fetch water. Pehle mard kabhi bhi nahi matke mein pani leke aaya, lekin ab itne 100 saalon se jo tradition tha wo change ho raha hai. Mard ja rahe hain, aapne khud bhi dekha tha kuch mard aaye hue the pani leke. Abhi bhi zyada tar jahan pe paiya hai wahan pe mard leke aayenge, jahan pe matka hai ya jerry can hai wo aurat hi utha ke leke aayegi. So it's disrupting the image of that matka versus the roller. Haan. It no longer seems like a female task. It doesn't. So iski social benefits hai, economic benefits hai, head benefits hai, health benefits hai, kyunki barish ho jo bhi aurat ne leke aana, phisal jate hain, heavy hota hai, saath bachcha bhi chota sa uthaya hota hai. To ye hamari choti si ek koshish hai, ek chota sa project hai. But we are not entitled for all of this. We didn't pay for this. You don't deserve anything. We are all on a ventilator. You know, it's just that we can't see where the machine is because we don't control our next breath. Jo coma mein leta hota hai, jo machine se jisko aa rahi aur hame aa rahi, I think it's the same. We don't control. Aapko guarantee hai. Main abhi ho jao. Main ho raha hu. Main kal raat aaya hu 6 baje. Kal raat aaya hu main 6 baje. दो तीन तीन दिन का मैं सोया नहीं, प्रॉब्ली दो दिन का. कल मैं 6 बजे आया हूँ, 2 घंटे सो गए. मैं सुबह शूट पे गया, शूट से मैं वापस आया हूँ, मैं डेंटिस्ट के पास जा रहा था, दांत ठीक कराया है. 3 दिन का नहीं सोया इधर मोरू भाई के साथ, अभी इधर बातें चीजें कर रहे हैं. आधी इधर वो फरिश्ता आया, मैं क्या सो, वरना तुझे पक्का सला दूंगा. लेकिन एल जी लाइफ गुड, मैकडॉनल्ड्स आई एम लविंग इट राइट, बट वी टॉक अबाउट हाउ ह्यूमंस, वी डोंट नो कि हमारा नेक्स्ट दिन क्या है, नेक्स्ट घंटे में क्या हो रहा है. तो अल्टीमेटली I think life mein real contentment agar aapko chahiye, you have to do something for others. You have to think about those who are not as blessed and as privileged as you are. Kyunki hum to, I think main lucky tha, main ek aise gharane mein paida ho gaya jahan pani bina mere liye problem nahi hai. Ya to main kisi ko keh sakta hu ya main 2 kadam uthke jaake pani pee sakta hu. Lekin duniya mein aise log hain jinko pani ke liye aisi mushkilat se guzarna padta hai jin mushkilat ka hum soch bhi nahi sakte. आप हर किस्म के तरीके से उनकी मदद कर सकते हो, पैसे भी दे सकते हो, आप अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हो, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन. लेकिन मोरू भाई आपने भी देखा होगा, व्हेन यू गो एंड मीट देम इन पर्सन एंड यू सी व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, एक डिफरेंट लेवल की फीलिंग और आप एक डिफरेंट चीज अब्सॉर्ब करते हो. तो इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी एंड द रिसोर्सेज टू डू दैट इन योर लाइफ, तो जरूर एक दफा जाकर उन लोगों से मिले और देखें वो किस किस्म की कश्मकश, इज द राइट वर्ड, से गुजरते हैं. राइट मोरू भाई, हर ब्लॉग में, हर पॉडकास्ट में आप गेस्ट से पूछते हैं, हम भी जरा आपसे पूछे, आप सुनाए क्या 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 चल रहा है. कल बड़ा हैवी कॉन्सर्ट किया आप यूनिवर्सिटीज में चढ़ के, आप स्टेजेस पे आपने क्रेजी किया हुआ. क्राउड किस फील्ड में आ रहे हैं आप, इधर से पॉडकास्ट करते हैं, उधर से ब्लॉग्स बनाते हैं, इधर से इतने अच्छे दोस्त भी हैं. यू आर दिस ऑलराउंडर, और अब आप यूनिवर्सिटीज में जाके कॉन्सर्ट्स पे रॉक कर रहे हैं, आवाम को उठा रहे हैं, घुमा रहे हैं, लोग क्रेजी हो रहे हैं. हु इज दिस न्यू गाय इन टाउन? बस बड़ा मजा आ रहा है यार आजकल, बड़ा मूड ऑन हुआ है. एंड लाइक यस्टरडे वी वेंट फॉर 2 concerts इन अ रो एंड सारे साथ गा रहे थे. इट वाज सो मच फन. एंड आई काइंड ऑफ लॉस्ट ट्रैक ऑफ इट पर्सनली, लाइक इफ यू वांट माय पर्सनल नैरेटिव, आई काइंड ऑफ लॉस्ट ट्रैक ऑफ इट. आई नो यू वर सिक एज वेल, सो आई वाज काइंड ऑफ सिक. इट काइंड ऑफ मेक्स यू एन इंट्रोवर्टेड पर्सन. मैं काफ़ी, मेरी एक कश्मकश ये है मेरी जिंदगी की, एक साइक्लिकली आई बिकम इंट्रोवर्टेड, देन आई बिकम एक्सट्रोवर्टेड, देन आई बिकम इंट्रोवर्टेड, देन आई बिकम एक्सट्रोवर्टेड. एंड आई थिंक इट माइट हैव समथिंग टू डू विद आइदर हार्मोन्स और फकिंग द वेदर और सम शिट लाइक दैट. बट अल्टीमेटली आई केम आउट ऑफ माई इंट्रोवर्टेडनेस बिकॉज ऑफ यू गाइस. ओह प्लीज. एंड देन आई स्वेयर टू गॉड दैट कॉन्सर्ट इज द रिजल्ट ऑफ तुम लोगों की एनर्जी. अच्छा, कैन आई से समथिंग अबाउट मोरू भाई? कसम से मैंने एक चीज मोरू भाई में देखी है कि द वे ही सपोर्ट्स एवरी पर्सन, अल्लाह की कसम, आई थिंक इज द ओनली पर्सन आई नो कि इन्होंने अगर किसी के साथ कलैबोरेट करना है, किसी को सपोर्ट करना है, इन्होंने कभी ये नहीं देखना कि यार मेरे इतने फॉलोअर्स हैं और इस बंदे के मेरे से इतने कम फॉलोअर्स हैं. जेन्युइनली ही इज दैट वन गाय हु वांट्स टू हेल्प अदर्स, हु वांट्स टू सपोर्ट अदर्स और एम्पावर करना, और बिल्कुल दिल का साफ बंदा. ऑनेस्टली
आपके साथ एक ह्यूमन लेवल पे मैं कनेक्ट करता हूँ, अल्लाह की कसम। मिस्टर बिलाल प्लीज, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हम बड़े लोगों से मिलते हैं मुरु भाई, आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन, इसलिए बहुत कम लोग हैं आप हैं और मतलब तो होंगे और, लेकिन मुझे अभी बता दो एक, यू हैव दिस गिविंग नेचर, आप दे देते हैं लोगों को, आप होते हैं कि अगले को एम्पावर करो, उठाओ। अच्छा, ये मुझे लगता है कि इसकी वजह से एक सदका जारी है, नहीं आप, है मोरू भाई के अंदर ना आप में जेलसी है ना आप में इनसिक्योरिटी है, ये मैं आपको फेस पे नहीं कह रही, हम वैसे भी डिस्कस करते रहते हैं, मुझे लगता है इसके लिए इस वजह से, क्योंकि आप दूसरों को, यूनिवर्स की नेचर है ना गिविंग, आप में इतनी क्रिएटिविटी है क्योंकि इसमें आपका कमाल कोई नहीं है, क्रिएटिविटी में आपका कमाल कोई नहीं है क्योंकि ये ऊपर से विर्द होना है ना, आपको एक समझ नहीं, ये आपको ऊपर से आता है, वो आता इसलिए है क्योंकि नीचे से नलका खुला हुआ है लोगों के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, वरना आप देखें मुझे नहीं पता पूरे पाकिस्तान में इतनी मल्टीपल डायमेंशंस भी को कर रहा है, तो ये ऊपर इसमें आपका भी कमाल कोई नहीं है सर, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी मेहनत है, मेहनत बहुत लोग करते हैं मोरू भाई, लेकिन लोगों के दिल में प्यार डालना और क्रिएटिविटी इस लेवल की आना, और हर किसी से इतने प्यार मोहब्बत और रिस्पेक्ट के साथ इसकी वजह से ही तो आता है सर, बंदे से जो नो आप क्लोज करें ना, आप क्लोज हो जाएं, आप कहे कि नहीं यार ये मैं, वरना ये मुझसे आगे निकल जाएगा, आप में ये चीज नहीं है, ये मेरे से, आप कहते हो निकले, मुझे वो होता है कि यार आई फील लाइक आई वाज राइट अबाउट हिम व्हिच मेक्स मी फील गुड दैट ये देखो बंदे में वो डायरेक्टर काइंड ऑफ फील्स लाइक दैट, आई थिंक दैट्स द डायरेक्टर इनसाइड मी काइंड ऑफ फील्स लाइक, मैंने किसी एक्टर को देखा इवन दो ही वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बट आई न्यू ही हैड इट इन हिम, उसके अंदर जरासीम वो मौजूद थे और मेरे में उस जरासीम की, क्योंकि मेरे में भी वो जरासीम है, तो एक वो पहचान होगी। आप, आपका लंदन में एक बहुत बड़ा फैन है, उसका मैं नाम लेना चाहूंगा, हाँ खुशहाल, तो यार पढ़ाई और मस्खरापन और ये सारा इसके बीच में बैलेंस कैसे? मोरू भाई इसके ऊपर मैं पूरी स्पीच दे सकता हूँ अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं, मैं आई बिलीव इन डाइवर्सिटी, आई बिलीव कि यू कैन डू एवरीथिंग, मैं स्टीरियोटाइप्स तोड़ना चाहता हूँ, हमारी सोसाइटी में अक्सर कुछ लोग, मैं कभी भी हर किसी को एक कटखरे या एक बास्केट में नहीं डालता, हमारी सोसाइटी के कुछ लोग बिलीव करते हैं यू नो इफ यू आर एन एजुकेशनलिस्ट देन यू कैन नॉट बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन, इफ यू आर एन एंटरटेनर यू कैन नॉट बी गुड इन योर स्टडीज डाडी डाडी डा, मेरे वहां पे मेरी यूनिवर्सिटी का वीसी ही इज अ पोएट, वहां पे तो अप्रिशिएट किया जाता है, दीज आर सॉफ्ट स्किल्स कि यू नो इफ यू डूइंग गुड इन योर स्टडीज यू कैन बी एन एक्टर यू कैन बी एन एंटरटेनर व्हाटएवर इट इज, तो आप सब चीजें साथ लेके चल सकते हो, इसीलिए आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दैट इन माई लाइफ, आई वॉन्टेड टू गेट अ गुड ग्रेड डिग्री, अच्छी पढ़ाई में भी मैंने बहुत फोकस किया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हुआ, ड्रामेटिक्स में भी इन्वॉल्व हुआ, डिबेट्स भी की, कॉमेडी भी की, यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, और हमें ये छोड़ दो कहना कि यार अगर एक प्रिंसिपल है ना स्कूल का तो प्रिंसिपल को तो बस इस तरह होना चाहिए स्टिक और वेरी सीरियस, प्रिंसिपल भी हंस खेल सकता है, यू नो फन इज अ वेरी, यू नीड टू हैव फन इन योर लाइफ बट यू नीड टू बी वेरी प्रोडक्टिव एट द सेम टाइम, अगर हर वक्त मजा कर रहे हो दैट इज रॉन्ग, हर वक्त ही पढ़ रहे हो तो वो भी ठीक नहीं है, यू नीड टू हैव अ गुड बैलेंस एंड जस्ट एंजॉय लाइफ एंड लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मिस्टर बिलाल प्लीज। नहीं वाकई आई थिंक वही हमारी सोसाइटी, वो ग्रीक फिलोसोफर है ना सेनेका, उसका एक बड़ा जबरदस्त कोट है कि हाउ आर यू करंटली लिविंग एनी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग डेड, हमें सोचना चाहिए ना कि हम क्या हमारा जिंदा मुर्दा एक ही रेट है, थोड़ी स्पीच देती है थोड़ी टाई तो ला दियो, नहीं वाकई मुझे लगता है कि हम बहुत सोशल स्टिग्मा में है कि कोई जिंदगी में जिसने कुछ पटा है किसने को काम किया है उसने लोगों का नहीं सोचा, मुझे एक एग्जांपल दे दे एक इंक्लूडिंग यू, अगर आप सोचल से मोरू भाई परसेप्शंस जिंदगी आपकी है, आप देखिए कोई हिस्ट्री भी उठा के देख लेना, मार्टिन लूथर किंग देख ले, कायद को देख ले, किसने भी कुछ किया है तो उसने ही वॉज विलिंग टू एम्बैरस हिमसेल्फ और हरसेल्फ पब्लिकली, आई थिंक देर आर सर्टन ट्रेड्स इफ यू लुक एट पीपल जिन्होंने हु हैव हैड अ बिगर इम्पैक्ट देन देमसेल्व्स, दे वर द बिगेस्ट फेलियर, सो जेफ बेजोस सेड दिस, he said I have failed more times, he was doing a press conference, than everyone in the room combined, failure ban jaye logo ke main failure, oh bhai you don't fail you never fail you learn, kyunki jab bhi aap you learn jab bhi aap
सक्सेस करेंगे आप कभी लर्न नहीं करेंगे. लर्निंग होती फेलियर में, गिरोगे तो सीखोगे. स्टार्टअप कल्चर में भी कहते हैं ना कि 90% ऑफ ऑल स्टार्टअप्स फेल. तो कहते हैं अगर आपने इफ यू वांट टू हैव अ सक्सेसफुल स्टार्टअप फेल फास्ट. हाँ, फेल फॉरवर्ड. यू फेल फॉरवर्ड, आगे गिरो. तो फेलियर हो गया, एम्बैरेसमेंट हो गई. अपने आप को करें यार, ये इस इंडस्ट्री में जो लोग करते हैं एम्बैरेस ही करते हैं ना अपने आप को, या नहीं? Yeah. वो लोग ही तो यही कह रहे हैं. वो आप पे कि आप अपनी लाइफ किस तरह गुजारना चाह रहे हो. यार खुल के अपनी लाइफ जियो, कॉन्फिडेंस के साथ जियो. क्या है कॉन्फिडेंस? क्या है कॉन्फिडेंस? इज योर ट्रस्ट इन हाउ इफेक्टिवली कैन यू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. जब आप गाड़ी पहली दफा चला रहे होते हो, आप बहुत डर रहे होते हो क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप ये एक्टिविटी सही से एग्जीक्यूट कर लोगे. और अगर गाड़ी कहीं पर ठुक गई तो आप भी मर सकते हो, आगे कोई बंदा भी मर सकता है. ठीक हो गया. दो साल आपने गाड़ी चला रही है, दो साल के बाद आप गाड़ी कितने कॉन्फिडेंस से चला रहे होते हो, हालांकि हाथ में आप मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हो. और मोबाइल फोन ज्यादा डेंजरस है बनिस्बत यू नो यू ड्राइविंग अ कार फॉर द फर्स्ट टाइम. लेकिन आप मोबाइल फोन क्यों यूज कर लेते हो? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर कि ये एक्टिविटी तो मैं परफॉर्म कर ही सकता हूं. तो भाई तुमने लोगों का नहीं सोचना, तुमने कुछ बोलना है, कुछ करना है, एक्टिंग करनी है, करते जाओ. तुमने पब्लिक स्पीकिंग करनी है, करते जाओ. तुमने जो करना है करते जाओ. तुमने पढ़ना है पढ़ते जाओ. तुमने ब्लॉगर बनना है बनते जाओ. पिकासो ने भी पता नहीं कितनी हजारों पेंटिंग्स निकाली थी, फिर जाके वो पिकासो बना. पिकासो पूरी जिंदगी अपने कमरे में बैठ के सोचता एक पेंटिंग निकालूंगा बाबू और तो पेंटिंग ही फुल हिट हो जाएगी. कभी भी ना आता. पिकासो फेंकता गया करता गया करता गया, फिर जाके पिकासो बना. मेरी बात सुने, कॉन्फिडेंस कोई इसकी जागीर नहीं या मोरू भाई की जागीर नहीं, बाप की जागीर, बाप की जागीर नहीं है, या कोई अपने माँ के पेट से लेके नहीं आता कॉन्फिडेंस. भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई माँ के पेट से लेके नहीं आता, किसी के बाप की जागीर नहीं है. कॉन्फिडेंस इज अ स्किल विच यू कैन लर्न. छह दिन मुझे दे, छह दिन लड़की नहीं जैसा शाहरुख खान ने, तीन दिन में बंदा कॉन्फिडेंस सीख सकता है. इट इज अ स्किल बट यू मस्ट बी विलिंग. एंड कॉन्फिडेंस के लिए पहला स्टेप है you must be willing to embarrass yourself. Make yourself comfortable with the uncomfortable. क्या चीज़ तुम्हें uncomfortable करती है? वही करो, वही करो. Confidence चाहिए. करो, करो, करो. एक hall में जाके तुम्हें अगर लेटने में uncomfortable feel होता ना, तो कल जाओ, उठ के नाश्ता करके एक mall में जाके लेट जाओ. अब तो होगा. कोई कुछ नहीं करेगा. कल Dolman Mall जाओ और mall में जाके लेट जाओ. Make जो जो चीजें तुम लोगों ने अभी तक सोची नहीं है ना कि भाई ये करने से मुझे कुछ होगा, फील हो क्या कहेंगे, वो सब चीजें करो. और ऐसा ना लेकिन प्लीज 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 बाइक प्लीज कर देना. प्लीज जो करना है करो, बट डोंट हर्ट एनीवन. डोंट हर्ट एनीवन. एज लॉन्ग एज यू नॉट हर्टिंग एनीवन, डू व्हाटएवर यू वांट टू इन लाइफ. थैंक यू. तो भी पिछली बात क्या थी, मैं भूल गया हम कहां से आ रहे थे. मुझे खुद नहीं याद. अभी मैं इसको कहीं से कनेक्ट करता था पिछली वाली से. मैं तो कह रहा था उसको अपनी फिल्म से कनेक्ट कर दें डिग्री भी करना चाहता था, लेकिन नॉट एज अ प्रोफेशन. आई जस्ट वॉन्टेड, मुझे अच्छी लगती थी एक्टिंग के ना, एक कैरेक्टर से निकल के दूसरे कैरेक्टर में घुसना. और मुझे ये चीज एक्साइट करती थी कि एक्टिंग में क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं. नॉट एज अ प्रोफेशन बट आई वॉन्टेड टू स्टडी इट. खैर वो अबू नहीं माने. ए लेवल पहली दफ़ा आई फ्लंक माई ए लेवल्स, आई डोंट डू गुड. मैंने अबू से कहा मुझे करने दें एक्टिंग. अबू ने कहा नहीं, बाहर अल गैप लिया डाड़ी डा. वो लंबी स्टोरी है, पॉडकास्ट 6-7 घंटों का हो जाएगा. यूनिवर्सिटी में मैं आया, मैं पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व हो गया, बहुत ज़्यादा, कि माई टीचर्स माई फ्रेंड्स दे ऑल थॉट कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा. बट सोशल एक्टिविज्म भी चल रही थी. खैर एज ए प्रोफेशन नहीं करना चाहता था. फिर मैंने स्टोरीज बनाना शुरू कर दी. जब मैंने स्टोरीज बनाना शुरू की, मैंने देखा कि यार लोग अगर मुझे मिलते थे ना बाहर कहीं जाके, मोमिन आई एम अ पार्ट ऑफ योर ऑनलाइन फैमिली, वो मुझे मोमिन कहते थे. बहुत नेचुरल जब भी डालते थे कि मैं वाकई उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ. दे आर मीटिंग मोमिन, दे वर मीटिंग मोमिन, दे आर हगिंग मोमिन, यू नो. जब मुझे मूवी ऑफर हुई ना, इनिशियली मैंने सोचा मैंने नहीं करना. मैंने कहा यार पीपल डोंट लव सलमान खान, दे लव बजरंगी भाईजान. पीपल डोंट लव शाहरुख खान, दे लव डॉन. वो उस बंदे को नहीं प्यार करते, वो उस कैरेक्टर को प्यार करते हैं. और मैंने कहा अभी तो मुझे बहुत कम लोगों का प्यार मिलता है, लेकिन वो प्यार मोमेंट से करते हैं. फिर मैंने सोचा कि यार मेरी लाइफ का एम ये तो नहीं है कि लोग मुझे प्यार करें, मुझे पसंद करें. मेरी लाइफ का एम है कि मैं दुनिया में पॉजिटिव चेंज ला सकूँ. जिस तरह मैं अपनी स्टोरीज के अंदर
कभी 60-70% एंटरटेनमेंट रखता हूँ ताकि लोग मेरे साथ कनेक्ट कर लें, फिर मैं स्लाइड इन करता हूँ कोई काम की बात ताकि उस कनेक्शन की बेस पे लोग मेरी वो बात सुन लें। मैंने कहा मुझे तो एक बड़ी आउटरीच चाहिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकूँ और सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने की बात कर सकूँ, अच्छे इनिशिएटिव्स को लाइक तैयबा सपोर्ट करने के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ। तो मैंने कहा इवन दो यस आई वुड प्रेफर पीपल हगिंग मी रादर देन हगिंग माय कैरेक्टर, मेरा मूवी में जो भी नाम होगा, लेकिन मैंने कहा ये पर्पज़ नहीं है, पर्पज़ इससे बड़ा है। तो उस पर्पज को अचीव करने के लिए ये मूवी, ये एंटरटेनमेंट, एक्टिंग, ये सब कुछ मुझे एक बड़ी आउटरीच देती है, जिस आउटरीच को अगर मैं पॉजिटिवली एक अच्छी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ लेकर यूज करूं तो एक दुनिया में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। सो हैविंग सच अ वेड आउट रीजन इज रियली कॉमन विद लाइक विद एक्टर्स, दे जस्ट वांट टू डू समथिंग एंड देन जस्ट वांट टू बी फेमस, एंड हैविंग दैट बिगर पर्पस इज समथिंग, एंड फॉर अदर पीपल हु आर एस्पायरिंग टू बी एक्टर्स हु आर जस्ट डूइंग इट फॉर द फेम, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो किड समवन हु दे लुक अप टू is not actually doing it for the fame, he's doing it for a bigger purpose, he's not doing it for monetary benefits, he's not doing it for some sort of selfishness, you know, it's like a bigger purpose. So that I think is a really good message that people should know. Like main batau sorry main wo kaat raha hu ki agar mujhe kabhi feel hota na Allah taala ye sari opportunities de rahe hain to iske andar ek bahut bada haath tha ki I had a mentor like him, a support system like him, you know, mujhe pata tha main bahut speed mein aage ja sakta hu kyunki agar main piche gira mere paas koi banda hai jo mujhe utha lega। तो हर बंदे के पास ये लिबर्टी नहीं होती, ये लाइसेंस नहीं होता इतनी स्पीड में आगे जाने का खड्डों की टेंशन लिए बगैर, क्योंकि वो जो पीछे गिरते हैं तो वो गिर जाते हैं। तो just wanted to add that and I think Mr. Bilal you can continue। और ये देखेंगे एक्टिंग वगैरह भी जो चीज है ना, वो जो लोग बनना चाहते हैं और वो फील करते हैं इतने अच्छे एक्टर, मुझे लगता है अल्लाह ने हर इंसान को एज एन एक्टर पैदा किया। बच्चा रोता है चीज जब चाहिए एक्टिंग ही कर रहा होता है ना, छोटा बच्चा या नहीं। तो मुझे लगता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम और सीरियस होते जाते हैं और हम अपनी वो जो जितनी अल्लाह मियां ने एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज दी होती है ना, उनको डिसआर्म करते जाते हैं और वो फिर एक नैरो फोकस हो जाता है, हम अपनी ख्वाहिशात वगैरह सब कुछ मार देते हैं लोगों के लिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता आज तक दुनिया में किसी रियलिस्टिक आदमी ने कुछ अचीव किया, सब ही आइडियलिस्ट है। रियलिस्टिक आदमी तो कर ही नहीं सब कहेगा होगा ही नहीं, ऐ किवें होगा यार, लोग छोड़ के चले जाए, चले जाए। नहीं जे जाना है तो खाना शाना खाओ, हम इधर नहीं है, तुम जाओ रेडी हो जाओ आगे फंक्शन पे भी जाना ठीक है। लेकिन मोरू भाई मैं थोड़ा सा बता दूं, अभी भी मैं वहां पे फुल टाइम काम कर रहा हूँ किंग्स कॉलेज लंदन में, वहां से ब्रेक लेकर आया हूँ। तो अभी एज सच मैं एक्टिंग की दुनिया में घुस नहीं गया, राइट लेफ्ट ये एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ, तो इसके बाद आई गो बैक एंड काम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू ना, वेरी बट द वर्ल्ड ये मीडिया का वर्ल्ड तो तुम्हें खींची जा रहा है और कह रहा है कि छोड़ दे अपनी पढ़ाई। मीडिया की दुनिया मुझे अपॉर्चुनिटीज के साथ खींच रहा है, आजा हमारे पास, आजा इधर आजा, बड़ा पैसा है, फेम है, सब कुछ है। और जो मेरी उधर एजुकेशन की एक दुनिया है, नॉट दैट इस दुनिया की वैल्यू कम है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट यार, कोई बंदा नहीं इस तरह सोचता, उसको इतना ज्यादा कुछ दिया जा रहा है उसको, और फिर वो और मतलब कि तुम्हारा बिगर पर्पस है एक्टिंग के साथ। मुझे मेरे इंस्टीट्यूशन ने किंग्स कॉलेज लंदन ने बहुत दिया, जितना मुझे चेंज किया, जितना मुझे एक्सपोजर दिया, लर्निंग अपॉर्चुनिटी दिया, उन लोगों के साथ काम करने का मौका दिया, लाइक आई हैव वर्क विद द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ द क्वीन, विद ऑल दीज एकेडेमिक्स प्रोफेसर्स, मुझे जो 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 मैंने वहां से सीखा है और मैं करंटली सीख रहा हूँ, मैं उस पर कोई प्राइस नहीं रख सकता, मैं उस पर कोई प्राइस नहीं रख सकता। अभी जो मेरी वहाँ पे जॉब है, मैं टॉप एकेडेमिक्स के साथ काम कर रहा हूँ, मतलब लोग जिनसे बहुत सीखता हूँ, जो जो एजुकेशन को फ्यूचर ऑफ एजुकेशन डिफाइन करते हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, यू नो, एज आई थिंक प्रॉब्ली दी ओनली अंडर 25 टाइप। तो मैं उस पर कोई प्राइस नहीं रख सकता, ना फेम की ना पैसे की, तो वो मैं करना चाहता हूँ, उनसे सीखना चाहता हूँ। तो मुझे प्रॉब्ली शायद मैं PhD भी करूँ आगे एक, तो आई वॉन्ट टू डू दिस, आई थिंक आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। मैंने पहले बोला आई बिलीव इन डाइवर्सिटी, आई थिंक मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, आप सब कर सकते हो। अगर मैं हंसी मजाक कर सकता हूँ, जो कि मैं 24/7 करता हूँ, आपको पता है दिस इज मी, ये दिस इज मी 24/7, आई डोंट डू इट फॉर द कैमरा और यू नो फॉर द मैच, दिस इज मी 24/7। मेरी वायरल वीडियोज भी मैं नहीं बनाता, रिकॉर्ड हो जाती हैं, कोई ना कोई रिकॉर्ड कर लेता है। तो वो तो अगर एक कैमरा फिट होता मैच में तो कितनी चीजें निकल जाती, यू नो, लाइफ इज फन एंड फन इन लाइफ। मैंने पहले सोचा था कि ये हो ही नहीं सकता कि इतनी एनर्जी मेंटेन करता हो 24/7, लेकिन फुल 100% पे चल रहा होता है और फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर फुल 100% पे जा रहा होता है। क्रेजी यार, आई थिंक यही वो चीज है कि जो अगर हमारे अल्लाह हमें यूज कर ले, कि हमारी यूथ जो है 60-70% पाकिस्तान की अंडर द एज ऑफ 30 है, बट उनको इस चीज से बालातर कर देना कि ये फिक्स्ड माइंडसेट ना रखें, ग्रोथ माइंडसेट रखें कि आप कर सकते हो, आप हिम्मत तो करो,
आप कौन डिसाइड करने वाले कि आप नहीं कर सकते? अल्लाह ने इतनी इंसान बनाया है, आपका आना ही इतना बड़ा मिरेकल है, 4 million to 1. या आप देख रहे हो कि आप किस तरह कह सकते हो कि यार आपसे नहीं होगा, आप होते कौन हो कहने वाले? अभी बात समझ, मतलब ये इतना बड़ा निजाम आपके अंदर चल रहा है, ऐवी नहीं बनाया ये यूथ को एम्पावर कर दे, क्योंकि यहाँ पे अगर 100% होंगे ना, अभी वो चलते फिरते गौरी हैं जितने दिल की तम भट गए. आई थिंक मिस्टर बिलाल ये है? बहुत जरूरी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं. एक एग्जांपल ये है कि बिलाल भाई वेंट टू लर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इस तरह होता नहीं है कि आप एक इंस्टीट्यूशन में 3 महीने आपको हुए, आप सिर्फ यू जस्ट 3 months यू नो इन द यूनिवर्सिटी, 3 महीने हुए, यू डोंट हैव दैट मेनी फ्रेंड्स, राइट? और आप इलेक्ट हो जाओ एज द प्रेजिडेंट ऑफ 70% ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन. तो दिस वॉज समथिंग अमेजिंग जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि पॉइंट इज कि यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट टू डू. तो अगर ये 3 महीने सिर्फ एक जगह पे गया है, 3 महीने में तो 2 दोस्त नहीं अक्सर लोगों के बनते, और अगर ये 70% ऑफ द पॉपुलेशन का प्रेजिडेंट बन सकता है एक दुनिया के इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में, तो आई थिंक यू कैन वॉट यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट. वो भी इतनी बड़ी बात नहीं, मतलब आई वुड नॉट लाइक टू अपने आप की नहीं कर रहा, बट आई एम अ फेलियर. मेरे ओ लेवल में एक डी नहीं बताना था यार. कोई बात नहीं यार, खैर है, ओए बताना था, छुपा ही रहे. एक डी 15 U आए थे, 15 U मिला के एक डी, 5 C और 1 B मेरे ओ लेवल में. ओ ठीक है यार, मैं उधर बैठ सकता हूँ. मेरे भी ऐसे ही थे. हाँ अच्छा मुरु भाई, आई वेंट टू LSE एंड आई गॉट द मोस्ट कमेंडेबल मास्टर स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर अवार्ड. अच्छा ये चेंज क्या हुआ, ये क्या चेंज हुआ? माइंडसेट की बात है ना. देखें मैं मेरे जब आप एक दफा गोल बना लेते हो ना, मतलब मेरी डिक्शनरी में तो नो नहीं है, मैंने कुछ करना है तो आपने देखा ट्रिप पे भी यहाँ कुछ करवाना है तो मैंने कर देना कर देना. हाँ मैं मेरी डिक्शनरी में ना मैं नो लेता हूँ और ना मैं नो देता हूँ. छुरी थी ये, अगर छुरी भी होती तो इतना ही कॉन्फिडेंस होता. मैंने ये बात क्यों की है, उन सब के जिनके ग्रेड नहीं ठीक है यार, मेरे जैसा नकम्मा नालायक आदमी अगर जा सकता है LSE और मोस्ट कमेंडेबल मास्टर स्टूडेंट, मैं नकम्मा तरीन, तो आप उससे बहुत बेहतर कर सकते हैं. ये लिविंग एग्जांपल है सर, अगर मैं कर सकता हूं तो ये सब कर सकते हैं. ये इसने खुद एक साल, ये अबू ने इसको स्कूल से वो क्या हुआ था, तू ही लेवल में फेल हो गया था. आई रिजल्ट ठीक नहीं आया था, वो भी लंबी स्टोरी है गैप ईयर में मैंने किया. बताओ ना सर असलियत बताओ, फसाद है लोगों का सारा. आई लव यू एवरीवन, विद अस व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. तिमुर भी आपका क्या सीन चल रहा है, आपके क्या ओ लेवल में थे बताएं. मैं तो फेलियर आदमी हूं बिल्कुल ही ए लेवल, मतलब कि मैं कभी भी अच्छा नहीं मेरे. आई डिड वेल इन फिल्म स्कूल, क्योंकि मसला ये था कि मेरे जो इंटरेस्ट, फिल्म जो है इतनी बड़ी, यही हुआ ना कि इंटरेस्ट ये थे मुझे फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और मेरा इंटरेस्ट था यही. आप सिविल इंजीनियर लगे होते अगर वो साइकिल वो रोडे बना रहे होते, वो छोटी सी चीज देख रहे और जो जिसमें दिलचस्पी नहीं थी और वो समाज के अंदर इस तरह का सूरत हाल थी कि वो मुझे उस तरफ पुश कर रहे थे जिस चीज में मैं इंटरेस्टेड नहीं था. तो फिर मुझे ये क्यों होता है, सॉरी मैं थोड़ा सा अगर आपका ये क्यों होता है, क्या हमारा बॉक्स है? नहीं मुझे एक बात बताए, क्या हमारा रिस्क पे इतना यकीन नहीं है कि अल्लाह देने वाला है कि वो हम कहते हैं इंजीनियर बनांगे डॉक्टर बनांगे फिर ही कार रोटी आवेगी तो गड्डी आवेगी तो बुड्ढी आवेगी तो बच्चे होंगे तो उन्होंने फीसा जान गई. क्यों यार पता नहीं कोई एस्टिमेट कर सकता था कि यूट्यूब इतनी बड़ी चीज होगी, मतलब इमेजिन करो पीटीवी का जमाना है. मैं आपको कह रहा हूं 5-6 टॉप के कॉमेडियंस होते होंगे तब, और पीटीवी सारों को यूज कर लेता था और उनकी इतनी प्रोग्रामिंग होती थी कि 24 आवर्स भी नहीं होती थी, तो कितना कम चांस था आपका बनने का. लेकिन यूट्यूब भाई मैं तो फील करता हूँ कि लकी हूँ, अगर मैं उस जमाने में होता और मैंने फिर लॉ शॉ ही कर लिया होता तो बेहतर होना था. मैं कुछ और निकालना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि चीज वो करें जिसमें आपको दिल है, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह ने देना है. बिल्कुल आपने मोची बनना है, आप मोची बने, आप दुनिया के बेस्ट. स्टारबक्स ने क्या किया, चाय बेचती है लेकिन दुनिया की टॉप चाय बेचती है. और यार मैं एक और बच्चों को बात करता हूँ, हमने पीछे एजुकेशन की, अगर आपका ओ लेवल में ग्रेड ठीक नहीं आता तो ये नहीं समझना आप फेलियर हो या कुछ हो. मैं एक बात बताऊं, कभी आप मेहनत उधर करते हो सिला आपको इधर मिलता है, कभी आप मेहनत उधर करते हो सिला आपको इधर मिलता है. ये मेरे साथ लाइफ में बहुत दफा हुआ है, बातें करेंगे, लेकिन बिल्कुल ये नहीं सोचना मैं फेलियर हूँ, रिजल्ट ठीक नहीं आया. और यार मैं एक और भी बात बता दूं, ये LSE ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, आई डोंट बिलीव इन द ब्रांडिंग ऑफ एजुकेशन. Oxford is like LB, Cambridge is like Burberry. These institutions are branding education and making it inaccessible. आप पढ़ो, अब जमाना चेंज हो गया, घर बैठ के पढ़ो, YouTube से पढ़ो, स्टार्टअप माइंड अपना रखो, entrepreneurial रहो, स्टार्टअप स्टार्ट करो, नई चीज स्टार्ट करो, प्रॉब्लम देखो उसका सोल्यूशन निकालो, इंशाल्लाह ग्रोथ माइंड सेट रखो, सब लाइफ सेट हो जाएगी. टेक नो टेंशन, मोरू भाई इज द बेस्ट, लव यू भाई. जिसने करना है आजकल ये है आपके पास, देखें सारी लाइब्रेरियां इसके अंदर. हाँ लेकिन टाइम हमने अगर स्नैपचैट इंस्टाग्राम पे कराना है तो वो फिर आपका डिसीजन है कि आप अपना टाइम, आइदर यू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर और अ कंटेंट कंज्यूमर, द चॉइस इज योर्स.
मोरू 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 पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में अब है मोरू 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 मी लव यू वी लव यू 1 2 3 4 ये नहीं मोरू भाई मुझे बताएं आखिर इसको कंक्लूड इस तरह करते हैं कि जितने आई बॉल्स हमें देख रहे हैं देखिए कोई हर बंदा किसी ना किसी एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है हर बंदा होप चाहता है आप भी चाहते हैं मैं भी चाहता हूँ ये भी चाहता हूँ तो ये जो लोग हमें इतना अपना टाइम दे के जा रही हैं इनको हम वापसी में क्या दें कि किस तरह कर सकते हैं ना या नहीं कर सकते यार ज्यादा भी ना सोचा करो लोग क्या सोच रहे हैं क्योंकि मैं सही बताऊं हर कुछ अपनी जिंदगी में बिजी है लोग इतना भी नहीं सोचते जितना आप सोचते हो कि लोग सोचते हैं यार किसी की जिंदगी में अपने भी बड़े मसले चल रहे हैं आप तो चिल करो लाइफ में डू व्हाट यू वांट टू डू एज़ लॉन्ग एज़ यू आर हर्टिंग पीपल आप जब वफात पाएंगे उसके 3 महीने के बाद आपको कोई याद नहीं रखेगा आपके घर वाले भी आपके कपड़े फेंक देंगे तो ज्यादा अब मैं भी मुझे लगता है कुछ भी कर सकता हूँ अच्छा वाक्य सुने भाई ये तारे वारे हिल गई है क्या सिंगल है सिंगल है सर मैं आई एम वो कमिटेड विद माय गोल्स एम्स एम्बिशंस इन लाइफ जिनके थ्रू मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूं उस गोल के अंदर फॉर्मेशन ऑफ फैमिली या रिलेशनशिप ये अभी नहीं आई ना बिल्डिंग अ लाइफ टुगेदर राइट जिंदगी क्या है जिंदगी जिंदगी प्यार का गीत है आइसक्रीम खानी फलूदा मिलते हैं भी दो नंबर अब हम सारे जा रहे हैं अब हम जाएंगे फलूदा खाने फलूदे में होगी बड़ा फलूदे में होगी शुगर फलूदे में होगी कैलोरी सैंडविच लोटी क्यूकम्बर क्रिएचिया और इन सब के साथ हम फलूदे के साथ करेंगे बहुत सा मजा थैंक यू वेरी मच लेडीज जेंटलमैन ट्यून रहे सब्सक्राइब करते रहे और अपने घर वालों को अपने दोस्तों को अपने नेबर्स को हर उस इंसान जिसको तुम जानते हो उसको फोन करो उसको मैसेज कराओ उसको कहो कि मोरू के इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर जिंदगी में कुछ चेंज करना चाहते हो और उनसे कहो आगे वो 3 लोगों को कहे कि मोरू को सब्सक्राइब करो वो आगे 3 लोगों को कहे थैंक यू की जगह मोरू को सब्सक्राइब करो प्लीज सब्सक्राइब करो यार प्लीज भाई मेहरबानी कर दो तुम्हें कसम है तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है हमारे रिश्ते की अगर तुमने मोरू को सब्सक्राइब ना किया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये आम आदमी नहीं है इज अ ग्रेट गाय इज अ वेरी हम्बल पर्सन प्लीज मोरू भाई मुझे पता है आपकी बिजली लग रही है आपके मेमोरी कार्ड में वो स्टोरेज लगेज स्पेस भी कम है इतना अलाउड नहीं है लेकिन मोरू क्रिएट यार मजेदार बंदा यार चिल्ड आउट बंदा आप यार अगर आज सब्सक्राइब करेंगे 7 दिन में देखिएगा आपके साथ क्या होता है 7 दिन में आपकी नेटवर्थ डबल हो जाएगी हाँ आपके जो जो ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी पीर मोरू महबूब आपके कदमों में आ जाएगा 7 दिनों में सब्सक्राइब करें और उसको भी सब्सक्राइब करें ओ भाई अगर आपके पेपर्स आ रहे हैं और आपको सारे एस चाहिए मोरू को सब्सक्राइब करें अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं नौकरी चाहिए मोरू को सब्सक्राइब अगर आपकी अगर रिश्ता होने वाली गर्लफ्रेंड नहीं मान रही तो मोरू को सब्सक्राइब करें अगर आप फ्यूचर एक्स वाइफ ढूंढ रहे हैं तो मोरू को सब्सक्राइब करें मोरू 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 कौन है ये मोरू मेरा दिल मेरी जान मेरा भाई इसके चैनल को करो ना सब्सक्राइब कर लो ना यार क्यों नहीं कर सकते मसला क्या ईगो का प्रॉब्लम है ओ हो तुम्हारा जा क्या रहा है अच्छा एक बटन ही दुबाना है ना ओ कितने फालतू बटन दुबाते हो अभी करो अब तो होगा अब कसम दे दो भाई प्लीज तुम्हारी मेहरबानी साडी इज्जत रख लो अच्छा मेरी बात सुनो चलो देखते करेगा अब कितना बुरा लगेगा हमारा दिल टूट जाएगा चलो हमारा दिल तोड़ोगे यार मोमिन तेरा दिल टूटेगा अभी तो आपने पूछा था ना दिल नहीं टूटेगा अभी तक नहीं टूटा यार मैं कसम से जब बोल रहा था ना कि मोरू भाई को सब्सक्राइब करो मुझे सच में लग रहा था ये लोग करेंगे नहीं किया ओ भाई तुझे दुनिया का नहीं पता आजकल क्या होती है यार मुझे असल में लगा और कुछ लोगों ने किया मैं झूठ नहीं बोलूंगा यार आई डोंट नो यार बताओ वो जो अभी बेड में बैठ के देख रहे उन्होंने किया यार बंदा उम्मीदें लगा ले यार सच में ग्रेट था और मैं सच बताऊं वीडियोस में सिर्फ शुगर मेला नहीं होता यार काम की बात भी करते यार मैंने कौन से कुछ पैसे मांगे यार
देखो यार आपकी मेहरबानी वो उसका टूट जाएगा दिल टूट गया तो करोगे कि नहीं करोगे यस बोलो भाई बस यार मेरे ना गुर्दे में बुखार हो रहा है चलिए मुझे कंधे में एडिक हो रही है यार यार आपको आपको इतना हंसाया अच्छा अगर तो आप हंसे हो ना अगर आप हंसे हो पूरे पॉडकास्ट कहीं तो इतना तो हमारा बनता है आपसे मानना कर दो सब्सक्राइब और एक किसी और को भी कराओ प्लीज कितने ग्रेट हो तुम तुम्हें पता है मुझे भी नहीं पता और हम सब की तरफ से जाओ और अपने पैसों से आइसक्रीम खा के साकिब ब्रदर्स का भी मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम चैनल की सारी डिटेल्स और बाकी सारी डिटेल्स कर देता हूँ आप उनको भी सब्सक्राइब कीजिए Thank you. Thank you. Shukriya. Khuda hafiz. Allah hafiz. Bye. Allah ne kaha. It's amazing. Sleep well. Good night, Jack. Miss me, please, miss me. Tala Dalia. Tala Dalia. I miss you. I love you. I miss you. मैं सबा हूँ मुझे 20 रुपए का easy load करो. क्या कर रहे हो? जब बात सुनो इधर आओ. यार नहीं यार. नहीं क्या कर रहे हो? I love you people! चलो बैठे मेरे पूरे भाई रोटी खिलाओगे रात को बत्तियां ऑफ करके मुझे फोन कर लेना ऐसी बत्ती गई होती है बत्तियां नहीं ऑफ करने की मुझे पैकेज तो लगवा देना सुनो पैकेज लगवा देना मुझे प्लीज कैमरे वाला फोन चाहिए मुझे रात की सरगोशियों में जब तुम फोन करते हो ना इस तरह जानो कसम जानो से निकलो प्लीज फोकस करो ये जानू ने तुम्हें बर्बाद कर देना तुम्हारी उम्र नहीं है प्यार मोहब्बत करने की काम पे फोकस करो पति कब आएगी मामला मूड करके पूछो मुझे डर लग रहा है सुनो कल सीएनजी बंद है सीएनजी डलवा लो जनरेटर में पेट्रोल नहीं है सुनो आराम से आगे गिरना जाना कटे है लाइट ऑन करो हम इस वक्त सामान की तरफ जंगलों में घूम रहे हैं मोरू भाई हमारे साथ है हम कैंपिंग करने हैं कैंपिंग तरफ ही अभी बहुत लाइव वाइल्ड एनिमल्स हैं मोरू भाई ध्यान से पवन की तरफ से कैमरा उठाए चलो अंकल आ गए म्याऊ मोरू भाई हमें कैंप्स में वापस चले जाना चाहिए यार ये भी पूरा पॉडकास्ट कर सकते थे अल्लाह की कसम जल्दी भागो यहां से तुम्हारी टॉर्च में बैटरी क्यों नहीं है पावर पैक निकालो ओए वो देखो आगे क्या हो रहा है चुड़ैल 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 मेरी टांग पे कुछ यार ये पूरा ब्लॉग हो सकता है मेरे भाई सुबह स्कूल के लिए उठना है इट्स अ स्कूल नाइट बॉय स्लीप ओवर पे आए पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा मंगवाई रंग खेल
खेलते हैं, ब्लफ खेलते हैं, ब्लफ ब्लफ। 10 अगी है डबल किंग 4 चल 10 रुपए दे। अच्छा चेस हो जाए, चेस हो जाए, चेस चेस आ जाएगी यार, चेस आ जाएगी, चेस की हां लूडो लाओ। सांप वाले गेम खेल ले यार, नोकिया थे सांप वाले गेम खेल यार। 6-3 सुन तू रोटी खिला आज। डेढ़ लीटर की लगा के खेले बाइक पे, डेढ़ लीटर लगा के कौन लंबी फीली करता है। बॉयज यार पसंद आ रही है, क्या करना है यार, प्लान बनाओ। पीछे लगाएंगे तंदी वाली ले आऊंगा मैं, दूसरों की उठाएंगे तंदी वाली ले आऊंगा, लेकिन यार मॉल बड़ा फिट होगा। आईफोन 11 लिया है, प्लीज सब्सक्राइब करो मुरु भाई के चैनल को, प्लीज। अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो रात को सोने से पहले इस तरह की आवाजें तुम्हारे कानों के अंदर गूंजेंगी, तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे, तुम्हें सोने नहीं देंगे, तुम्हें नींद की दवाइयां खानी पड़ेंगी। आवाज आएगी पैसे दे, सब्सक्राइब 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 बाय।